गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था आउटपुट डिवाइसेस एंड आज हम उनकी एक्सरसाइज करेंगे। सभी बच्चे अपनी स्किल शीट्स वाली बुक खोलेंगे एंड उसमें इस चैप्टर की एक्सरसाइज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 11 एंड 12, आज हम लोग इनकी एक्सरसाइज को करेंगे। पेज नंबर 11 पे क्या एक्सरसाइज दी है, कलर द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। हमें क्या करना है, हमें आउटपुट डिवाइसेस दी हैं, हमें कलर करना है उसमें। तो पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पर बनी हैं। पहली क्या बनी है बच्चों, मॉनिटर। और मॉनिटर की स्पेलिंग क्या होती है, MONITOR, मॉनिटर। फिर क्या बना है, प्रिंटर, क्या स्पेलिंग होती है, PRINTER, प्रिंटर। बच्चों थर्ड क्या बनी है, स्पीकर्स, स्पेलिंग क्या होती है स्पीकर की, SPEAKERS, स्पीकर्स। बच्चों लास्ट फिगर क्या बनी है, प्लॉटर, और क्या स्पेलिंग होती है, PLOTTER, प्लॉटर। बच्चों अब आप लोग मॉनिटर को वाइट और ब्लू कलर से कलर कर सकते हो, प्रिंटर को वाइट और ब्लैक से, स्पीकर्स को आप लोग ब्लैक या ग्रे कलर से कलर कर सकते हो, और प्लॉटर को वाइट या ग्रे कलर से कलर कर सकते हो। आप लोग कलरिंग कर सकते हो और सभी बच्चे कलर भी करेंगे। अब बच्चों सभी बच्चे पेज नंबर 12 खोलेंगे और देखते हैं इसमें क्या एक्सरसाइज हमें दी है। एक्सरसाइज क्या है बच्चों, फाइंड एंड क्रॉस द ऑड वन आउट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। हमें इसमें क्या करना है, हमें देखना है कि कौन सा तीनों में सेम नहीं है और जो सेम नहीं है उसमें क्रॉस करना है और उसका रीज़न देना है कि वो हम लोगों ने क्रॉस क्यों किया है। तो आइए पहली देखते क्या है, पहले का बना हुआ है कीबोर्ड, फिर मॉनिटर और प्रिंटर। तो बच्चों इन तीनों में से ऑड वन आउट क्या होगा, इन तीनों में से ऑड वन आउट कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड क्यों ऑड वन आउट है, क्योंकि वो एक इनपुट डिवाइस है। एंड मॉनिटर और प्रिंटर क्या होती हैं, मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इसलिए वो सेम है। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, इसलिए वो ऑड वन आउट है। अब सेकंड ब्लैंक में बच्चों क्या हमारा ऑड वन आउट होगा, पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या बना है, CPU, फिर कीबोर्ड और फिर माउस बना है। CPU बच्चों क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और माउस इनपुट डिवाइस है। तो इन तीनों में से ऑड वन आउट क्या होगा, CPU। बच्चों CPU क्यों ऑड वन आउट होगा, क्योंकि वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो रीज़न हम लोग लिखेंगे, इट इज़ एन प्रोसेसिंग डिवाइस। अब बच्चों थर्ड ब्लैंक क्या दी है, स्पीकर्स बने हैं पहले, फिर प्लॉटर बना है और फिर माइक्रोफोन बना है। अब बच्चों इनमें से ऑड वन आउट क्या होगा, माइक्रोफोन। क्यों होगा माइक्रोफोन, क्योंकि वो एक इनपुट डिवाइस है और स्पीकर्स और प्लॉटर्स आउटपुट डिवाइस होते हैं, इसलिए माइक्रोफोन ऑड वन आउट है। अब बच्चों फोर्थ ब्लैंक में क्या बना है, पहला मॉनिटर है, फिर सेकंड क्या बना है, स्कैनर, और फिर लाइट पेन। अब मॉनिटर क्या होता है बच्चों, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन क्या है बच्चों, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस होती है। तो इन तीनों में बच्चों ऑड वन आउट क्या हो गया, इन तीनों में ऑड वन आउट हमारा मॉनिटर हो गया, इसलिए रीज़न क्या लिखा हम लोगों ने, रीज़न दिया इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी है, हमें इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हमें ये पता चलता है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, CPU हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, स्पीकर्स और प्लॉटर्स हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, और स्कैनर और लाइट पेन क्या हैं बच्चों, स्कैनर और लाइट पेन इनपुट डिवाइसेस हैं।
आप सभी बच्चों को ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है, पहले आप लोग लिखोगे और उसके बाद नीचे रीज़न दोगे कि वो ऑड वन आउट क्यों है, और ऑड वन आउट के क्या ही रीज़न्स होंगे, या तो आपकी जो मशीन है वो या तो इनपुट डिवाइस होगी, या तो आउटपुट डिवाइस होगी, या तो प्रोसेसिंग डिवाइस होगी। पहली वाली कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है इसलिए हमने उसको क्रॉस किया, सेकेंड सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस है इसलिए हमने सीपीयू को क्रॉस किया, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है इसलिए हमने थर्ड में उसको किया, और फोर्थ में हमने मॉनिटर को किया क्योंकि वो एक आउटपुट डिवाइस है। आप सभी बच्चे ये अब कंप्लीट करेंगे।